और निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। ओ माय गॉड भाई, ओ ओ भाई भाई भाई, बच गए बच गए बच गए, पानी में नहीं गई। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे भी ये, अब चलो देखते हैं क्या होने वाला है इसके साथ भाई। और भाई इस टायर को भी पार कर दिया। ओ नो, तो ये गाड़ी के ऊपर। ओ भाई अब यो व्हाट्सअप गाइस, दोबारा से फिर से लेके आ गए हैं इंडिया पाकिस्तान की एक रैंप चैलेंज की वीडियो। काफी ज्यादा धमाकेदार आज होने वाली है, क्योंकि आज हमने सबसे अलग रैंप इसमें बना दिया है। पहली बार आप इस टाइप के रैंप देखने वाले हो, क्योंकि जो कि चैलेंज के साथ है। तो हमारे पास दो गाड़ियां यहां पे अवेलेबल है, जीप वेंगलर, यहां पे रूबीकॉन जिप्सी जो कि इंडिया की तरफ से होने वाली है। तो गाइस पाकिस्तान की तरफ से होने वाली है ब्रेवलर ऑफ रोडिंग जिप्सी टाइप ही है। ये काफ़ी हैवी है, देख लो टायर वायर देख लो, दोनों के काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। और देखने वाले हैं आज क्या होने वाला है, काफ़ी धमाकेदार चैलेंज होने वाला है। ये पाकिस्तान की तरफ से, ये इंडिया की तरफ। तो गाइस सबसे पहले चैलेंज की बात करें, तो वहाँ से सामने से गाड़ियाँ आनी है और यहाँ तक इन कंटेनर पर जानी है, और यहाँ से जितनी आगे जाएगी गाड़ियाँ उतना ज़्यादा गैप होता चला जाएगा। यहाँ लास्ट रैंप है, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी यहाँ पर विनर हो पाएगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी गाड़ी को लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ। और गाइज ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, दोनों कंट्रियों के हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये केवल गेमिंग वीडियो है। तो भाई साहब इसकी स्पीड देख लो कितनी हैवी है, और साउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। 167 की स्पीड आ रही है, और निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। ओ माय गॉड भाई, लास्ट पॉइंट, लास्ट कंटेनर था, अगर वहाँ तक पहुँच जाती तो ये क्लियर हो जाती, विनरशिप में आ जाती। चलो जिप्सी रूबीकॉन को लेकर के चलते हैं। माइकल दादा जल्दी से इसमें बैठ जाओ। और भाई ये देखो लुक, देखो अलग ही लग रही है, दोनों गाड़ियों की लुक काफ़ी अच्छी है आज। और लाइट हमने ऑन कर दी है इस गाड़ी की, जो थोड़ी और लुक दे सके। तो भाई साहब फुल स्पीड में चलो, देखते हैं कितनी स्पीड देती है। 170 प्लस की स्पीड आ रही है, और भाई निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। ओ माय गॉड भाई साहब, ब्रेक 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 ब्रेक, बच गए बच गए। भाई इस गाड़ी ने तो एक नंबर का परफॉर्मेंस दिया, कमाल कर दिया। तो इंडिया की तरफ होता है एक पॉइंट, और चलते हैं नेक्स्ट रैंप चैलेंज। तो भाई देख सकते हैं रूबीकॉन का कलर आप कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर से बताना। गोल्डन कलर में आपकी बार कर दिया। तो रैंप में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से गाड़ी जानी है, और भाई साहब जंप करना है, यहाँ पर बूस्टर लगे हुए हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बोट्स हैं, और यहाँ तक आना है। यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ से जंप करना है। तो चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी पहुँच पाती है, कौन सी 4x4 जा पाएगी। तो सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं रूबीकॉन जिप्सी को, और भाई बूस्टर के साथ कमाल कर दिया है, और ये बूस्ट लगे हैं। तो भाई देखते हैं पानी में जाती है क्या होता है। ओ ओ भाई भाई भाई, बच गए बच गए बच गए, पानी में नहीं गई। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे भी ये क्लियर नहीं हो पाई, तो एक रैंप ही पार कर पाई है, तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाई। तो चलते हैं ऐसे कर देते हैं यहीं पे खड़ी। भाई जब का कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमने मॉडिफाइड किया है, काफ़ी अच्छा कलर कर दिया है। और भाई अब की बार लेकर के चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से जाने वाली जो है 4x4। और भाई काफ़ी शानदार सा जंप किया है, चलो देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई एक नंबर का कंट्रोल आया है, बिल्कुल गजब कर दिया है। लेकिन भाई बाल बाल बची है, ओ माय गॉड यहां पे रह गई है ये फिर से। तो चलो देखते हैं एक बार और, अच्छा ट्राई करते हैं दोबारा से। तो गाइस एक बार और हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद मुझे लग रही है पहुंच सकती है। तो चलो लेकर चलते हैं 1, 2 एंड 3, और ये फुल स्पीड में। और भाई साहब की बार लेन में भटक जाए। ओ ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे दोबारा से फिर से हो चुके हैं फैल। चलते हैं नेक्स्ट रैंप चैलेंज। तो गाइस यहाँ पे रूबीकॉन जिप्सी आ चुके हैं दोबारा से नए चैलेंज के लिए। तो सामने वाटर रैंप चैलेंज है, तो चलो देखते हैं निकल पाती है नहीं, क्या क्या स्पीड दे पाएगी वाइट कलर में। तो यहाँ पर अभी एक पॉइंट बना है रूबीकॉन का, फर्स्ट रैंप पे, सेकेंड रैंप पे कोई भी विनर नहीं हो पाया। और भाई साहब काफ़ी शानदार सा जंप किया है, और चलो देखते हैं पार कर पाएगी नहीं। भाई चल रही है अभी तक, तो चल रही है 30-40 की स्पीड आ रही है, और निकल के जा रही है गाड़ी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं बाहर निकल पाती है नहीं इस पानी से, अगर निकल गई तो हो जाएगी विनर, उसके बाद लाएंगे पाकिस्तानी गाड़ी को। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। और भाई साहब निकल गई है, तो इंडिया के यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान वाली आ पाएगी या नहीं। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं जीप ब्रेवलर, और लेकर करके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होने वाला है इसके साथ। भाई साहब पार कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे कर दिया एक शानदार सा जंप, बस सीधी गिरनी चाहिए गाड़ी तभी हो पाएगा कुछ। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, और भाई स्पीड यार, स्पीड हैव मान रहा हूँ मैं इसकी, अचानक से इतनी हैवी स्पीड आ रही थी, अभी डाउन हो गई स्पीड। लेकिन पानी की लहर भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है पानी की लहर भी। ओ माय गॉड भाई चले जा रही है गाड़ी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है।
और मेरे हिसाब से निकल जाएगी। निकल जाएगी क्या, निकल गई है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट होता है इंडिया पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पे तो दो पॉइंट हो चुके हैं इंडिया की तरफ और यहाँ पे एक पॉइंट होता है पाकिस्तान की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट रैम चैलेंज पे। तो गाइज यहाँ पे होने वाला है एक जंप चैलेंज, जो कि हमारी जिप्सी आ चुकी है रूबीकॉन, और यहाँ पे ऊपर से हम जंप कराने वाले। देखते हैं नीचे तक ये ब्लास्ट होती है, ये क्या डैमेज इसका होता है। तो यहाँ से भाई फुल स्पीड में ले जाने वाले थे। ओ भाई 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 भाई, और ये किया फुल स्पीड में जंप, और भाई टायर तो क्रॉस कर दिया है गाड़ी ने। और यहाँ पे दूसरी रैंप भी आ चुकी है जो कि पार कर सकती है गाड़ी, और भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है ये जो है रैंप। अब दो रैंप पार कर दिया है, तो इसके बाद ये गिरने वाली है, सीधी पानी में गिरे जहाँ पे भी गिरे। चलो देख लेते हैं पार कर पाएगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हाई फाई स्पीड है। और भाई इस टायर को भी पार कर दिया, ओ नो टायर नहीं हुआ पार टायर के ऊपर से। अब देखते हैं नीचे गिरने पे क्या होता है, गाड़ी ब्लास्ट होती है क्या होता है। माइकल भी गिर चुका है नीचे, ओ माय गॉड, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई है भाई। गाड़ी की अगर हालत देखें तो ब्लास्ट तो नहीं हुई है, अभी देख लेते हैं स्टार्टेड है नहीं। गाड़ी में जो है धुआं निकलने लग गया है, ओ माय गॉड, गाड़ी की हालत तो ख़राब हो चुकी है अभी भाई। गाड़ी तो स्टार्टेड है, सही चल रही है अभी तक तो ठीक है, लेकिन भाई गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, धुआं निकल रहा है आगे से। चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ। तो भाई दोबारा से वही प्यारे वाला कलर आ चुका है, चलो देखते हैं अब की बार गाड़ी क्या कर पाती है। अब की बार मैं यहाँ से धीरे से उतारूँगा पाकिस्तान की तरफ से गाड़ी, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी हैवी उतार दी थी, पलटने का चांस बन गया था। तो भाई यहाँ से काफ़ी हाई फाई स्पीड है, और भाई एक टायर कर दिया है पास, और भाई दूसरे वाला देखते हैं क्या होता है। ओ भाई गाड़ी उल्टी गिरने वाली है, ओ भाई बच गई गाड़ी, बच गई, बच चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले टायर एक टायर इसका गाड़ी का चल नहीं रहा है। तो भाई यहाँ से गाड़ी जो है जंप करने वाली है, और ये कर दिया एक शानदार सा जंप। चलो देखते हैं गाड़ी में जंप होने के बाद क्या होने वाला है। वैसे गाड़ी थोड़ी हल्की सी मुझे बैंड लग रही है यहाँ पर, और भाई गाड़ी कंट्रोल हो गई, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। चलो देख लेते हैं टायर, हाँ भाई टायर जो मैं आपको बोल रहा था कि टायर रुक रहा है इसका चलते टाइम, वो देखो वो टायर इसका रुक रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही गाड़ी सही सर्वाइव कर गई है, कोई भी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई है। चलते हैं नेक्स्ट रैम चैलेंज की ओर। तो गाइज यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ चुका है, और इस हेलीकॉप्टर को हम अपनी जीप वैगलर के ऊपर यहाँ से ऊपर से छोड़ने वाले हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम इससे निकल जाते हैं बाहर, माइकल को बाहर कर देते हैं जिससे कि बंद हो जाए। अब हम इस हेलीकॉप्टर को उठाते हैं और गाड़ी के ऊपर छोड़ने वाले हैं, तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे तो ये गया गाड़ी के ऊपर, भाई गाड़ी जो है अभी सही है, और दोबारा से एक बार छोड़ के देख लेते हैं। तो ये सही से नहीं गिर पा रहा है उसके ऊपर, तो ये गाड़ी के ऊपर, ओ भाई अब बिल्कुल सेट आया है मामला। तो अब इसे एक साइड में हटा देते हैं, अब देखते हैं गाड़ी की कंडीशन हुई है क्या। तो भाई माइकल को ले जा करके वहीं पे ले चलते हैं माइकल को, और देखते हैं क्या हुआ है। गाड़ी सही दिख रही है देखने में, तो अभी तक तो ब्लास्ट भी नहीं हुई है, और सही है बिल्कुल ओके है भाई, पर डैमेज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा आगे से तो सही है, और ऊपर से मुड़ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। भाई यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है, और भाई हम हेलीकॉप्टर को उठाते हैं और इसके ऊपर छोड़ देते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। और ये 1, 2 एंड 3, ओ नहीं 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 सही नहीं छुटा है, 1, 2 एंड 3, ओ ओ भाई इसके ऊपर सही से नहीं लगा है अभी, और भाई ये अब के बार ब्लास्ट भी हो सकता है। 1, 2 एंड 3, बस यहाँ पे दो बार सही से हो चुका है। तो भाई यहाँ पे खून खराब करने निकल गया, माइकल को थोड़ी सी छूट क्या दी हमने, इधर उधर निकल जाता है ये बंदा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं जाकर के क्या हुआ है गाड़ी के साथ। तो गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, भाई गाड़ी तो सेम कंडीशन है जो कि जीप वैगलर की है। भाई ये इधर देख लो, इधर थोड़ी एंडी बैंडी हो चुकी है, लेकिन चलो सेम ही पॉइंट दे देते हैं, कोई बात नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यहाँ पे क्लियरली विरन और ये इंडिया की गाड़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी कमेंट में बताना फेवरेट कार आपकी कौन सी है इंडिया प्लस पाकिस्तान की तरफ से, उसी का मैं चैलेंज करा दूँ।